मेरा नाम सरफराज है, पंजाब से मेरा तल्लक है और पंजाब में मेरे माँ बाप बहन भाई उधर ही रहते हैं। और 80 में यहाँ मैं आया और आके यहाँ मुलाजमत अख्तियार की मैंने, और मैं एज ए गोरखान काम करता रहा। उसके बाद मेरी 82 में मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है, बेटी को भी मैंने मैट्रिक करवाया है। उसके बाद मैंने बेटे को भी मैट्रिक करवाया है, फिर मैंने बेटी की शादी कर दी, वो अपने घर चली गई। अब बेटा मेरा है वो घर पे है, अभी वो काम नहीं करता कोई भी। सबसे पहले हमारा चर्च से लेटर आता है और चर्च को हम देखते हैं आया ये चर्च हमारा मेंबर है या नहीं। जो हमारे मेंबर होते हैं उनसे हम फीस कम लेते हैं, जो मेंबर नहीं है हम उनसे फीस अपने हिसाब से लेते हैं। फिर उसके बाद गोरखान को बोलते हैं कि जाओ जाके भाई कब्र तैयार करो। कब्र तैयार करने के बाद जब जनाजे का टाइम होता है फिर हम जाते हैं, जो जनाजा आता है फादर हो या पादरी हो जो भी आएगा वो आके जनाजा लेके आता है, जनाजा पढ़ता है, फादर फारग हो जाते हैं, हम रजिस्टर उसके आगे रख देते हैं, वो उसको लिखता है डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बैरियल, जो कुछ भी है उसका नाम अता पता जो कुछ भी है वो उसमें लिख देता है। उसके बाद वापस जनाजा करके हम वापस ऑफिस में आ जाते हैं। ये 1818 का तकरीबन कब्रिस्तान है, तो आप जो अपने पास देख रही हैं ना कब्रें टूट फूट की देख रही हैं, ये जो नहीं आते तो यही हाल होगा उनका कब्रों का देखने का, मेरा मतलब है। तो वो देखें आके कब्रें कि हमारी कब्रों का क्या हाल है, तो हम कितने कब तक देखेंगे, ये तो काम उनका है ना। जब वो आते ही नहीं तो कब्रों का तो यही हाल होगा ना। पहले जब जगह प्लेन थी तो ज़्यादा गहरी कब्रें खुदती थी, ज़ाहिर है इतनी देर से एक पुराना कब्रिस्तान है तो और कोई नज़दीक है नहीं है जो कि जाएँ लोग, तो इस वजह से एक कब्र में दो दो तीन तीन मुर्दे डाले हुए हैं। इस वजह से जगह जो है ना बहुत कम होती जा रही है। मैं जब नया नया आया तो लोगों को देखता था, यहाँ जब मैं मुलाजम हुआ हूँ तो लोग आते थे कब्रों पे, आगे कब्रों पे जनाजे में आके लोग रोते थे देखते थे। कभी कभी ऐसा वाक़ होता था कि हम देख के हम भी रो पड़ते थे, क्योंकि जब वो कोई जवान होती थी मौत तो अपने भी प्यारे याद आते हैं, आदमी को आ जाते हैं, तो हमें बहुत फील होता था, इसलिए इमाम भी रो पड़ते थे देख के लोगों को। जवानी की ज़िंदगी भी कुछ और होती है, और जवानी की ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। बात तो फिक्र नहीं था कोई भी, जब यहाँ आए तो यहाँ देखा तो ज़िंदगी कुछ और है, अब लाइफ ही बदल गई हमारी तो यहाँ पर रहते रहते, और ये यहाँ तक कि हम इसको फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम लोग यहाँ रह के लोगों की खिदमत करते हैं और इन मुर्दों को मिट्टी के हवाले करते हैं। हमारे जनाजा रात का नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आता है तो उनका अजीज जो है ना रह जाता है, जिसकी वजह से जनाजा हमारे वो लेट हो जाता है, वो हमें करना पड़ता है, बाकी रात का जनाजा हमारे नहीं। ये तो मिट्टी के अंदर है, इनसे कोई डर नहीं है, इंसानों से डर लगता है, इनसे कोई डर नहीं है, ये तो मर गए ख़त्म हो गया। बाकी रही बात मिट्टी की, मिट्टी से बना था और मिट्टी में चला गया और ये खाक हो गया।